हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज परफेक्ट टीवी नेटवर्क के माध्यम से मैं समाज की अपंगता के ऊपर एक सवाल उठाना चाहता हूं। हमारे समाज में एक अपंगता है। किस चीज की अपंगता है आप कहेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? वो अपंगता है हमारे बुजुर्गों के सम्मान। हमारे समाज के अंदर जो हमारे बच्चे हैं आज की दौड़ में इतना ज्यादा आगे दौड़ रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि उनको अपने माँ बाप की भी कोई इच्छा पूरी करनी है, उनको अपने माँ बाप का भी कोई सम्मान करना है। इच्छा छोड़ो, वो तो उनको आज के समय में पानी भी नहीं देते। आप जाके जो बुजुर्गों के लिए आश्रम है वहां जाकर देखें कितना बुरा हाल है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इस समाज से कि वो कैसे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बुजुर्ग होना है। जो हाल अपने माँ बाप का कर रहे हैं, कल को यही हाल उनका भी होना है। तो इस बात को याद रखें कि अपंगता बुढ़ापे से नहीं होती, मानसिकता से होती है। जिस आदमी के अंदर ये अपंगता है कि वो अपने फैलाए हुए वृक्ष की ही अच्छे देखभाल नहीं कर सकता, वो किसी का कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान खुद एक समाज के ऊपर और एक आप ये कह नौजवान लोगों के ऊपर एक कलंक है। जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने घर की मिट्टी का नहीं वो किसका हो सकता है, आप मुझे बताएं। जो आदमी अपने घर की मिट्टी का नहीं है, जो आदमी को ये नहीं दिखता कि मेरे माँ बाप ने मुझसे ये बात कही थी, मेरे माँ बाप मुझसे ये चाहते थे, अगर वो यही नहीं समझ पाया, जिंदगी में किसी और के लिए दौड़ता रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कभी किसी का था ही नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गहरा आप ये कह सकते हो चोट है हमारे समाज के ऊपर, बहुत बड़ी गहरी चोट है हमारे समाज के ऊपर कि हमारे समाज के अंदर बुजुर्गों के ऊपर आज के समय में अत्याचार होता है। ये बहुत बड़ी सोच है। मैं देखता हूँ कि जब यहाँ के बुजुर्ग भाई जा रहा होता है कुछ भी है, एक मैंने देखा यहाँ पे एक बुजुर्ग था, वो बेचारे को पेशाब करने में दिक्कत थी, वो बेचारा जाके कहीं साइड पे खड़ा होता था तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे खड़े हंस रहे थे कि उसकी धोती गिल्ली हो गई। कि भी उन बच्चों को उसका मतलब उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बुजुर्गों का सत्कार क्या होता है, कि बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है। वो बच्चे तभी हंस रहे थे। क्या उन बच्चों ने कभी खुद अपनी पैंट गिली नहीं करी होगी छोटे होते? तो दोस्तों, ये हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि भी बच्चे अपंग हो रहे हैं मानसिक तौर के ऊपर। किस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हो आप लोग जब अपने घर को ही भूल गए? कौन सी दौड़ है, किसके अंदर दौड़ रहे हो जब आपको यही नहीं पता आपने किसी के सपने संवारे कि नहीं? अपने आप दौड़ते रहे, अरे पैसा तो हर कोई कमा लेता है, घर में सुकून तो हो, शांति तो हो। अगर घर में सुकून और शांति तभी होगा अगर बुजुर्गों का सत्कार होगा। जिस घर में बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता ना, वहाँ पे क्या होता है, आप देखो कहीं बच्चे जो पीजी जा रहे होते हैं क्या कभी उनके कमरे में देखने को मिलता है कि भी पूजा के गाने चल रहे होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्को बज रहा होगा क्योंकि वो पीजी है। जब बुजुर्ग साथ में नहीं होते ना तो बच्चे एक पीजी की तरह जैसे रह रहे होते वैसे हो जाते हैं। और जिनका कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता, वो बिखर जाते हैं। और यही लोग ये भूल जाते हैं कि जब अपने माँ बाप का साथ नहीं देंगे तो ये बिखर जाएंगे। माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं है, माँ बाप से बड़ी कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा भी कहता है कि सबसे पहले माता पिता। और जो बच्चा अपने माता पिता का नहीं है वो किसी का नहीं, उसके लिए किसी मंदिर में जगह नहीं है, उसके लिए किसी समाज में जगह नहीं है। लोग मुंह पे ना कहें, पीठ पीछे जरूर कहते देखो उसने अपनी माँ को कैसे तरपा रखा है, देखो अपने पापा क्या हाल कर रखा है उसने। तो दोस्तों, सच्चाई को पहचानो, बुजुर्गों का साथ दो। और कोई बुजुर्ग अगर परेशान है किसी तरीके से, कोई बात सामने रखना चाहते हैं, तो मेरा है परफेक्ट टीवी नेटवर्क, मुझे आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।